संजय लीला भंसाली और सलमान खान इन दोनों की दोस्ती की एक दौर में मिसालें दी जाती थी। दोनों जब भी एक साथ काम करते थे बड़े पर्दे पर मैजिक क्रिएट होता था, फिर चाहे वो खामोशी द म्यूजिकल हो या फिर हम दिल दे चुके सनम। हालांकि दोनों की दोस्ती बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन जब भंसाली अपनी मूवी को डिजाइन कर रहे थे अपने डेब्यू डायरेक्टर के तौर पर, तब सलमान खान ने उनकी खामोशी द म्यूजिकल को न सिर्फ फंड अरेंज करवाया था बल्कि इस मूवी में एक रोल भी किया था। हालांकि मूवी जो केंद्रित थी वो थी नाना पाटेकर और सीएम विश्वास के ऊपर, लेकिन सलमान खान ने मनीषा कोइराला के अपोजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस मूवी को लेकर बहुत मास मसाला कमाई तो नहीं हुई थी, लेकिन क्रिटिकली अक्लेम बहुत हुई थी। गाने बहुत ज्यादा क्लासी माने जाते हैं। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई बहुत मजबूत और दोनों ने जब अगली मूवी में एक साथ काम किया तब बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आई जिसका नाम था हम दिल दे चुके सनम। इसके बाद दोनों की दोस्ती को तीसरी बार नजर लग गई जब दोनों ने एक साथ मूवी प्लान की, उसका नाम था देवदास। लेकिन सलमान खान का तब तक ब्रेकअप हो चुका था और सलमान खान ने अपनी किसी भी तरह की टूटे आशिक वाली इमेज से बाहर आना था, इसलिए सलमान खान ने देवदास को छोड़ दिया। ये बात भंसाली को काफी हद तक बुरी लगी। हालांकि भंसाली ने शाहरुख खान की तरफ रुख किया और SRK ने एक तरह से मैजिक क्रिएट कर दिया, लेकिन सलमान खान भंसाली के बीच में दरार पड़ चुकी थी। इस दरार को खाई बनाने का काम किया मूवी बाजीराव मस्तानी ने। भंसाली ने साल 2000 के बीच में सलमान खान और करीना को लेकर बाजीराव मस्तानी प्लान की थी, लेकिन दोनों ने पता नहीं किस बात पर प्रियदर्शन की क्योंकि साइन कर ली और भंसाली को फिर से रास्ते पर छोड़ दिया। भंसाली इस बात से बहुत खफा हो गए। हालांकि भंसाली ने फिर भी अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देकर सांवरिया में उनको गेस्ट अपीयरेंस करवाया, लेकिन बात दोनों की तभी बनती जब दोनों किसी बड़े मूवी प्रोजेक्ट पर काम करते। तो यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ इंशा अल्लाह को लेकर। इंशा अल्लाह भंसाली का बहुत ही मोस्ट प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट था और आलिया भट्ट के अपोजिट कास्ट किया गया सलमान खान को। इस मूवी के लिए बाकायदा कॉस्ट्यूम सेटअप हो चुका था, ड्रेसअप हो चुकी थी और विदेशों में रेकी भी हो गई थी, लेकिन सलमान खान पता नहीं किस बात से खफा हो गए और इस मूवी के सेट छोड़कर वॉकआउट कर गए। आलिया भट्ट ने अपनी पूरी डेट्स उनको दे रखी थी भंसाली को, इसलिए भंसाली ने बिना सलमान के और अजय देवगन को अप्रोच करके मूवी बना दी गंगूबाई काठियावाड़ा उसी स्पेस में, जो कि बहुत कामयाब साबित हुई। अब कहा जा रहा है सलमान खान के बगैर वो अपनी इंसान लव कम्प्लीट करने की तैयारी में है और 90s के दो सुपरस्टार को अप्रोच किया जा रहा है। तो 90s के पहले सुपरस्टार कौन होंगे इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। इनका नाम है अजय देवगन। अजय देवगन ने हमेशा भंसाली के साथ हमेशा नाइस टर्म पर काम किया है, फिर चाहे वो हम दिल दे चुके सनम हो या फिर गंगूबाई काठियावाड़ा। अब अजय देवगन के अलावा दूसरा 90s का सुपरस्टार कौन होगा ये बात मिस्ट्री की है, लेकिन आलिया भट्ट पूरी तरह से कंफर्म है इस मूवी में लीड रोल प्ले करेंगी। इंशाअल्लाह बनेगी, लेकिन सलमान खान के बगैर, ये बात उनके फैंस को रास नहीं आ रही है। ऐसे में फैंस दुआ कर रहे हैं कि सलमान और भंसाली के बीच की दोस्ती फिर से वापस सेट हो जाए और पब्लिक को सलमान खान अजय देवगन की जोड़ी फिर से देखने को मिले बहुत ही ग्रैंड ओपरस स्टाइल में। उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक होगा और सलमान खान ही अपने स्टाइल में इंशाअल्लाह बोलेंगे। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।